नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। राजधानी पटना में एक बार फिर से पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और मामला मर्डर का सामने आया है। जी हाँ, ये मामला है नौबतपुर थाना इलाके का, जहां मुंशी जी की दिन दहाड़े सड़क पर ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा क्या खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। बता दें कि बेलगाम अपराधियों ने पटना में सरेआम मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े पटना पुलिस के इकबाल को ताक पर रखते हुए पटना में दिन दहाड़े वकील के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैली है। घटना पटना के नौबतपुर थाना इलाके की है। बताया जाता है कि मुंशी दानापुर कोर्ट जा रहे थे, तभी नौबतपुर के ब्रह्मस्थान के पास अपराधियों ने मुंशी को घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली मारने के बाद अपराधी बाइक से हथियार लहराते फरार हो गए। मृतक मुंशी की पहचान नौबतपुर के नारायणपुर निवासी बालेश्वर पाठक के रूप में हुई है। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और मर्डर की वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। नौबतपुर थाना प्रभारी सम्राट दीपक से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों की धर पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश में मुंशी की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। तो वाकई बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं और उनमें बिल्कुल भी पुलिस का इकबाल नहीं बचा है। और इस तरीके से आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो सवाल किए ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको रोकने में पुलिस पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। एक और मामला राजधानी पटना से सामने आया, जहां दिन दहाड़े मुंशी जी की हत्या कर दी जाती है, मर्डर को अंजाम दिया जाता है। हालांकि उस मामले को लेकर बताया ये जा रहा है कि आपसी रंजिश के मामले में ही मुंशी जी की हत्या की गई है, लेकिन फिलहाल उस मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां राजधानी पटना में हाल ही में हुए रुपेश हत्याकांड हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद बिहार के सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और आज पूरे 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस को लेकर कुछ खास खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि लगातार राजधानी पटना में अपराधी अलग अलग तरीके के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और खास करके आए दिन मर्डर केस सामने आ रहे हैं। तो वाकई नीतीश कुमार लगातार हाई लेवल की मीटिंग तो कर रहे हैं, उनकी तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तमाम कोशिशें विफल ही दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।